Hey guys, welcome back to my channel. For all of you who are new here, I'm Tanya. I came to Canada as an international student and now I'm working over here. So guys, aaj ka video is going to be really helpful for all of the international students who are planning to come to Canada. We are going to be talking about a lot of important topics like visa refusals, degrees, diplomas, and one important topic that we'll be talking about is how to get a refund on your Canadian education fee. And let's get right into the video now. Hey guys, so I'm at the UPI office right now and I have Dr. Vikas here with me. And आज हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं. नंबर वन इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिग्री एंड अ डिप्लोमा एंड कैसे आप एक डिग्री कोर्स कर सकते हो जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ अ डिप्लोमा. अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन गेट अ रिफंड ऑन योर कॉलेज फीस. यस गाइज, आपने जो कैनेडा कॉलेज की फीस भरी है उस पर आपको थोड़ा सा रिफंड मिल सकता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. एंड अनदर थिंग दैट वी विल कवर इज वीजा रिफ्यूजल रेट्स एंड वीजा कैसे जल्दी अप्रूव हो सकती है. सो गाइज, लेट्स डाइव इन टू दिस. एंड डॉक्टर विकास, वुड यू लाइक टू स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ? Yeah, sure, Tanya. So hi everyone, I am Dr. Vikas Kaushal. I am CEO at UPI and I run chain of colleges in Canada, India, Singapore and US. पिछले कुछ सालों में I have come across 5 lakh students जिनकी ग्राउंड ब्रेकिंग रियलिटी आज हम डिस्कस करेंगे तानिया के साथ. So हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अ डिग्री एंड अ डिप्लोमा. तो ये दोनों में एग्जैक्टली क्या फर्क होता है एंड जॉब मार्केट को कैसे अफेक्ट करता है? ओके, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन रानिया, कि आप बीइंग अ कॉर्पोरेट आप डिप्लोमा होल्डर को पिक करेंगे या डिग्री होल्डर? आई थिंक अ डिग्री होल्डर. यस, देयर कम्स आंसर. द रीजन बीइंग डिग्री होल्डर्स हैव अ मोर क्वालिटी एजुकेशन और जो सैलरी डिफरेंस है डिप्लोमा एंड डिग्री का दैट इज फार अलॉट. और डिप्लोमा होल्डर्स को डिग्री होल्डर्स के सैलरी कंपेरिजन में पहुंचने में 5 से 6 साल लग जाते हैं. सो हियर द इज द मेन मेजर डिफरेंस. हमारे पास ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे आए सो दैट वो इकोनॉमी की ग्रोथ ज्यादा कर सके. सो इसलिए गवर्नमेंट भी प्रेफर कर रही है कि वी नीड डिग्री होल्डर्स. सो वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट डिग्री इज बेटर देन डिप्लोमा. But इसके बाद भी most of the Indian students go for a diploma. Now the reason for that mainly is कि वैसे ही studying abroad is so expensive. उसके साथ साथ diploma ही expensive है and degree is much more expensive than that. So a lot of people feel कि ये उनके लिए unaffordable हो जाता है and which is why they go for a diploma. So ऐसा कोई तरीका है जिससे degree course ही थोड़ा कम expensive हो जाए? Yeah. That is possible through UPI. Okay. Yes. So let me give you a small description of that. Yeah. Like, अगर हमारे पास कोई student UPI के अंदर आता है, which is University Pathways International, so हम उस बच्चे को 9 से 12 महीने में 2 साल का diploma उसके home country में online mode में under accelerated program करवाते हैं. Oh. Okay. Yeah. So that 1 year diploma what he does online in his home country, वो 2 years of education जो कनाडा की है या किसी और कंट्री की है उसके इक्वल होती है, क्योंकि उस डिप्लोमे के वी हम क्रेडिट्स ट्रांसफर करते हैं कैनेडियन यूनिवर्सिटीज में एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड. इन एनी यूनिवर्सिटी अगर स्टूडेंट जाना चाहता है तो वहां पे उसके क्रेडिट्स ट्रांसफर होंगे. सो वो 2 साल के जो डिप्लोमा है वो उसने ऑलरेडी समझो होम कंट्री में खत्म कर लिया और वो यहाँ पे जब इंटरनेशनल एजुकेशन लेने के लिए आएगा वो डायरेक्टली 3rd year के अंदर आता है. सो उसने 3rd and 4th year यहाँ पे लगाया एंड आफ्टर दैट ही गेट्स द वर्क परमिट एंड देन द पीआर. सो दिस वे उसके जो 2 साल के लिविंग एक्सपेंसेस हैं और प्लस उसकी एजुकेशनल फीस है दैट विल बी रिड्यूस्ड अलॉट. सो दैट इज व्हाई वी से कि जब आप यूपीआई में आते हो तो हम डिप्लोमा की कॉस्ट में आपको डिग्री करवाते हैं. ये तो काफी अच्छा है बिकॉज फर्स्ट थिंग इज यू सेव टाइम. 4 साल की चीज आप 3 साल में कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली एंड यू सेव 2 years ऑफ लिविंग कॉस्ट इन कैनेडा. एंड मोर ओवर जो बच्चे यहाँ पे आते हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आके करते हैं जिनकी फीस ऑलरेडी प्राइवेट के मुकाबले कम होती है. प्राइवेट में भी जा सकते हैं पब्लिक में भी जा सकते हैं. जैसे रिसेंटली हमारे कई स्टूडेंट्स आए तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज लाइक UPEI एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक देन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट देन यॉर्कविल यूनिवर्सिटी एंड ट्रेंडल यूनिवर्सिटी. सो इन सभी यूनिवर्सिटीज में बच्चों को क्रेडिट्स मिले वो इंडिया से या और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज से
हमारा ऑनलाइन एजुकेशन मोड के अंडर एक्सेलरेट प्रोग्राम में उन्होंने हमारा डिप्लोमा किया और उसके उनको दो दो साल के क्रेडिट्स मिले और वो यहाँ पे सीधा थर्ड ईयर के अंदर है. And these are good reputed universities. Yeah, these are all public universities, good reputed ones. Wow, that is great to know. जो वीजा सक्सेस रेट की आप बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो जब कोई बच्चा डिग्री के लिए यहाँ पे आता है उसका जो वीजा सक्सेस रेट है दैट इज 100%. बिकॉज अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो उसका वीजा सक्सेस रेट बहुत कम है, बिकॉज गवर्नमेंट भी डिस्करेज करती है कि हमें डिप्लोमा के लिए सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, वी वॉन्ट स्टूडेंट्स फॉर डिग्री. सो दैट इज वाई द सक्सेस रेट इज फार फार हाई. And अब in fact right now this is even more important because visa rejection rate बहुत high है. अगर आपको इस program के बारे में और जानना है and you have any more questions, then मैं UPI के सारे details अपने description में enter करूँगी and you can check them out. You can book a free consultation from them if you want to know more and you should go for it guys, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने ही मिलेगा, maybe you'll find a new opportunity. So check it out. And now moving on to the next topic. So guys, topic number 2 is getting a refund back on your Canadian college or university fee. So ये सुन के मैं भी काफी shock हो गई थी कि how is it even possible? How can you get money back on your college fee? इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना है. And I'm sure audience को भी इसके बारे में questions होंगे. So can you tell me a little more about it? This is possible, Tanya. मगर ये जो इंटरनेशनल एजुकेशन के ऊपर जो फीस रिफंड होती है ये स्टूडेंट्स को डायरेक्टली नहीं मिलती है. ये 99% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंसल्टेंट्स के थ्रू अपने होम कंट्री से यहाँ पे आते हैं. किसी भी कंट्री में वो इंटरनेशनल स्टडी करने के लिए अपने कंसल्टेंट्स के थ्रू जाते हैं और उन कंसल्टेंट्स को वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज उनकी इंटरनेशनल स्टूडेंट की इंटरनेशनल फीस में से कुछ पार्ट एज अ कमीशन पे करती हैं, क्योंकि उन्होंने रेफर किया होता है वो पर्टिकुलर कॉलेज. इसीलिए आपने देखा होगा कुछ कंसल्टेंट्स तो अटक जाते हैं कि जी आपने इसी कोर्स में जाना है और इसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना है बिकॉज वो कॉलेज यूनिवर्सिटी उनको कमीशन दे रहा होता है. I've heard a lot of people say that and जब मैं आ रही थी तब I used to also wonder कि ये मेरे लिए इतना free में काम क्यों कर रहे हैं. So later मुझे पता चला कि उन्हें commission मिलती है colleges पे. जो fees बच्चे international students जमा करवाते हैं यहाँ पे उसका 10-15% उनको refund मिलता है. Suppose अगर किस आपने $15,000 यहाँ पे कनाडा में fees भरी है तो उसके 2-3,000 commission pay करती है university या college agents को. इसी कारण एजेंट्स पुश करते हैं पर्टिकुलर कॉलेज या पर्टिकुलर कोर्स के. ये तो काफी ज्यादा रिफंड है. यस, काफी ज्यादा है. तो यूपीआई ने एक यूनिक प्रोग्राम अभी शुरू किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट मी टेल यू कि यूपीआई में हम वी आर नॉट कंसल्टेंट्स, वी आर एजुकेशन प्रोवाइडर्स और हमारा मेन एम है कि स्टूडेंट को एजुकेशन मिलनी चाहिए और उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए. तो व्हाट वी डू, हमारे थ्रू जो स्टूडेंट्स आएंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो कमीशन जो यूनिवर्सिटीज कंसल्टेंट्स को देती हैं वो सेम कमीशन की वो अमाउंट हम स्कॉलरशिप की वे के अंदर स्टूडेंट को वापस करेंगे. वंस दे रीच हियर आफ्टर सम टाइम लाइक 2-3 months यूनिवर्सिटीज पे करती हैं और वो विद इन 10 business days यूपीआई स्टूडेंट्स को पास ऑन करता है. This way, like, काफी लोगों के लिए this is going to be very beneficial. Yeah. It's a huge amount to save, right? Yes. वैसे ही international students इतना struggle करते हैं, part-time job करते हैं, so this $2,000-$3,000 can make a huge difference. Yes, that makes a lot of difference. Yeah. Yes. So now ये जो refund है, ये मिलने के लिए do they have to go through the UPI degree program जिसके बारे में हमने पहले discuss किया? No. That is not at all required. Okay. They just need to come to the UPI. और वो हमारा एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं कि यूपीआई के थ्रू आप हमें एडमिशन दिलाइए. सो थ्रू दैट आल्सो दे विल गेट द रिफंड. सो एनीवन कैन कम, एवरीबॉडी इज मोस्ट वेलकम एंड वी आर हियर. आवर मेन एम इज टू मेक एजुकेशन एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशंस. एंड दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. या दिस इज टोटली फ्री. दिस इज अ फ्री सर्विस बिकॉज वी आर रनिंग कॉलेजेस, universities, we are working with lot of education departments all around the globe. So ये एक non-profit initiative है UPI का जो हमने start किया. This is great. I mean guys, like, you need to make use of this opportunity seriously. All of the details are in the description. आप free consultation book करो, you can save money. Like, this will make a big difference. यहाँ पर तानिया, I want to add one more thing. This is specially for students. तो जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल एजुकेशन लेना चाहते हैं और जिस कोर्स में आना चाहते हैं, मैं उनको स्ट्रांगली ये रिकमेंड करूंगा
कि वो उन प्रोफेशनल्स के साथ बात करें जिन्होंने वो डिग्रीज की होती हैं। हमारे यूपीआई में वी हैव अ कम्युनिटी ऑफ अराउंड 4-5 लाख स्टूडेंट्स जो ये डिग्रीज डिफरेंट फील्ड्स के अंदर कर चुकी हैं। कम टू दैट कम्युनिटी एंड डिस्कस विद देम द ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस जो स्टडी के लिए। जब ये बच्चे आप लोग कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं अपने होम कंट्री के लिए अंदर, वो लोगों ने सेल्स या मार्केटिंग पढ़ी होती है, उनको ये भी नहीं पता होता कि कंप्यूटर साइंस और आईटी के कोर्सेज में डिफरेंस क्या है, उनको ये नहीं पता स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है। उनके लिए सब कुछ बराबर है क्योंकि उनका फोकस सिर्फ उस कमीशन के ऊपर होता है जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस ने उनको पे करना है। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप एक प्रोफेशनल से बात करें। सो टॉपिक नंबर 3 गाइस, एंड ये आज का हॉट टॉपिक है, व्हिच इज वीजा रिफ्यूजल्स एंड एक्सेप्टेंस। सो करेंटली वीजा रिफ्यूजल रेट बहुत बढ़ चुका है एंड मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स में भी बहुत लोग लिखते हैं कि व्हाई डज वीजा गेट रिफ्यूज सो ऑफन दीज डेज, यू कैन डू जिससे आपका वीजा एक्सेप्ट हो जाए। सो इसके बारे में यू आर द एक्सपर्ट, कैन यू टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट हाउ टू गेट योर वीजा एक्सेप्टेड एंड रिजेक्शन के यूजुअली क्या रीजंस होते हैं? सो तानिया, जो आप कह रहे हैं रिजेक्शन रेट, यस बहुत रिजेक्शन रेट है, पर मैंने कभी भी किसी स्टूडेंट का जो डिग्री के अंदर यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहा है रिजेक्शन रेट नहीं देखा। जो बच्चे यहाँ पे डिग्री में आते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ते हैं, जिनके अच्छे कोर्सेज हैं और उनके प्रीवियस एजुकेशन और फ्यूचर एजुकेशन की रेलेवेंस है, और क्योंकि गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि बच्चा जो यहाँ पे कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहा है वो यहाँ पे आके बिजनेस मैनेजमेंट करेगा, कॉमर्स बैकग्राउंड वाला बच्चा आके कंप्यूटर एंड आईटी नहीं कर सकता, तो एक रेलेवेंस होनी बहुत जरूरी है। तो डिग्री कोर्सेज में जो बच्चे रेलेवेंट कोर्सेज के अंदर आते हैं उनका 100% सक्सेस रेट है। जो डिफ्यूजल केस हैं वो डिप्लोमा के ज्यादा लगते हैं, उसका रीजन बीइंग कंसल्टेंट्स के थ्रू रेलेवेंस नहीं चेक की जाती फ्यूचर एजुकेशन एंड प्रीवियस एजुकेशन में, एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड के बच्चे यहाँ पे हमारे पास डिग्री करने के लिए ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके। तो तानिया, जो ये मैंने आपको बताया कि डिग्री और डिप्लोमे के सक्सेस रेट और वीजा रिजेक्शन का, इसका एक मेजर रीजन ये भी है कि कनाडा में जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो IRCC अप्रूव्ड हैं। यहाँ पे जिस तरह आप इंडिया में कि कोई गवर्नमेंट जॉब लेनी है उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है, उसी तरह यहाँ पे IRCC कंसल्टेंट जिन्होंने एप्लीकेशन लगानी है स्टूडेंट की इंटरनेशनल वीजा के लिए या स्टडी वीजा के लिए, तो वो अप्रूव्ड होते हैं गवर्नमेंट से और उनके ऊपर कॉन्टिन्यूस चेक होता है, उनको स्टडी करनी पड़ती है, उनको एग्जाम देना पड़ता है। पर ऐसा इंडिया में या और साउथ एशियन कंट्रीज में नहीं है, वहां पर कोई भी पर्सन उठता है और उठ के अपना बोर्ड लगा के कंसल्टेंट बन जाता है, उनको कोई नॉलेज नहीं होती कैसे एप्लीकेशंस लगानी है। यूपीआई भी हम लोग यूपीआई के अंदर वी डोंट पुट एप्लीकेशन फॉर स्टडी परमिट्स, बट वी पार्टनर विद 5 ऑफ द बेस्ट IRCC कंसल्टेंट्स ऑफ द कंट्री जो हमारे बिहाफ पे स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस लगाते हैं, और हमने कभी नहीं देखा कि हमारे किसी स्टूडेंट का कभी रिफ्यूजल हुआ। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल अभी सितंबर इनटेक जस्ट स्टार्टेड, सो व्हाट वाज योर सक्सेस रेट इन दैट? सो फॉर सितंबर इनटेक 1025 स्टूडेंट्स के अराउंड हमारे बच्चों ने अप्लाई किया था एडमिशन के लिए, एंड आई will just let you know that 100% was a success rate. Wow. All the 1025 students got the visa. That is huge. Yes. So great. Matlab, with proper research and with proper help, aapka visa accept ho sakta hai. Yes, that is a 100% success rate. So kuch questions hai jo I'm sure log comments mein puchhenge, and these are the most common questions that I get. So, एक तो ये चीज है कि ये जो सारी बातें हमने की दैट वाज मेनली फॉर पीपल जो 12th के बाद आना चाहते हैं कनाडा। नाउ व्हाट अबाउट पीपल लाइक मी जिन्होंने ऑलरेडी अपना डिग्री इंडिया में कर लिया है एंड दे वांट टू कम टू कनाडा, सो उनके लिए क्या ऑप्शन है? सो जिन्होंने बैचलर्स ग्रेजुएशन की है अपनी, वो यहाँ पर मास्टर्स करने के लिए आ सकते हैं। ओके, सो मास्टर डिग्री इज फॉर 2 years, सम मास्टर डिग्रीज आर फॉर 3 years आल्सो, एंड सम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स आर फॉर 1 year आल्सो, सो दे कैन ऑलवेज कम and they can do the same thing like एक साल इंडिया में करके, because reason being जो उनके होम कंट्री के अंदर ग्रेजुएशन होती है वो 3 साल की होती है और कनाडा के अंदर ग्रेजुएशन 4 साल की है, सो उस 1 साल के ब्रिजिंग गैप को कवर करने के लिए they need to do a diploma from a Canadian college online setting in their home country, so वो जो diploma होगा वो उनका 1 साल का ब्रिजिंग गैप खत्म कर देगा, और on the basis of that
they can come and do their degree here. So iske baad bhi jaise masters Canada mein kafi expensive hai, to ye diploma karne se apne home country mein inko fees mein kuch help hogi? Yeah, unko जो फीस रिफंड मैंने आपको पहले बताई वो फीस रिफंड भी मिलेगी और एडमिशन सक्सेस रेट 100% है. दे विल डेफिनेटली गेट एडमिशन ऑफर लेटर और जीमैट से एग्जम्पशन मिलेगी उनको एंड आल्सो यूनिवर्सिटी विल गिव देम स्कॉलरशिप इन 99% केसेस विद अवर यूपीआई स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स आर गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन द रेंज ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम $5,000 टू $15,000. Okay. So which is a great help for them. That is very helpful. Yes. And UPI will do it all for them, right? Yes, everything. When a student comes to UPI, they are our responsibility and we don't let them leave their hand at the end till they get settled down in Canada. That is amazing. Yes. And बहुत लोगों को ये problem होती है कि GMAT बहुत difficult है. Yes. तो it's good that वो accept हो जाता है. Now another thing is ki one of the main reasons of visa rejection jo maine logon se suna hai is having a lot of like gap years. So what are your opinions on that? And jo jinke gap years hain wo UPI ka ek diploma karenge wahan pe apne home country ke andar, wo diploma jo hai wo unko Canadian college se online hi karna hai. Okay. Aur that gives a fair perspective to the government also, to the university also. Hmm. That yes, the student is genuine, he really wants to study. Even after a gap of 5 to 10 years or 15 years also, the student wants to study. That is why he has gone for a online education. Hmm. And on the basis of that, wo student yahan pe aake masters ki degree kar raha hai. Correct, correct. Yes. And yahan pe value add kar raha hai yahan ki economy ke andar. Hmm. So why not? They are always welcome. Correct. Yes. Makes sense. And is cheez ki koi age limit hai? Tanya, padhai ki koi limit nahi hoti. किसी भी एज में आप पढ़ाई कर सकते हैं. टिल यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन वीजा. कैनेडा एंड एनी अदर कंट्री हैप्पीली वेलकम्स एवरी स्टूडेंट, बट द कंडीशंस आर द सेम. स्टूडेंट शुड बी अ जेन्युइन पर्सन और वो वैल्यू एड करे यहाँ की इकोनॉमी में आके, कंट्री को उससे फायदा होना चाहिए. दे आर ऑलवेज वेलकम टू गेट द वीजा. ओके, क्योंकि मुझे काफी क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम पीपल हु आर 35-40. And they like, can I still come to Canada? Recently, one of our student who is 44 plus, hmm, he got the visa. Wow. And he had a gap, hmm, of 18 years. We got him admission in Atlantic provinces, hmm, in Masters of Management program. Okay. And he's very successfully doing it. Hmm. And if he can come, anybody can come. Yeah. So that answers the gap as well as the age question. Yes. Ki possible hai. And because CRS scores इतने high है currently, yeah, so it's probably easier for anyone to come here on a study permit rather than applying for an express entry. Yeah, that is 100% right. Yeah. To come for a study is the best and shortest route, hmm, to settle down in Canada. So we highly recommend that. I think हमने सारे topic cover कर लिए and मैंने तो बहुत नई चीजें सीखी है इस conversation से. So thank you so much for inviting me over to your office and having this conversation with me. I'm sure audience ने भी बहुत कुछ सीखा होगा. And guys, अगर आपको फिर भी doubts हैं तो मैंने सारी information UPI की अपने description में दी है. उनकी वेबसाइट है, उनका व्हाट्सएप नंबर है, तो आप कॉल स्केड्यूल कर सकते हो. एंड अगर आपको कोई और डाउट्स भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो, एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू देम और द यूपीआई टीम विल रिस्पॉन्ड टू देम. सो फील फ्री टू आस्क ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एंड होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है गाइज. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू गाइज अगेन सून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चंस. एंड जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यूपीआई इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. वी आर हियर फॉर योर सर्विस. वी आर द एजुकेशन प्रोवाइडर्स. सो यू शुड हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, जस्ट कम टू अस एंड टेक फ्री एडवाइस. थैंक यू.